रीज़न कुछ भी है, लेकिन काशवी बैक टू बैक झूठ बोल रही है और उसको पता नहीं है कि अर्जुन को पता है कि वो झूठ बोल रही है। कबीर के साथ एक रात बिता के आई है हरिद्वार में। I also side with Arjun here। तो काशवी रीज़न कुछ भी है, लेकिन काशवी बैक टू बैक झूठ बोल रही है और उसको पता नहीं है कि अर्जुन को पता है कि वो झूठ बोल रही है। तो इसलिए अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि यार आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे, नाउ यू आर ऑल्सो लाइंग टू मी। कबीर के साथ एक रात बिता के आई है हरिद्वार में। ओ आई थॉट ये कबीर के कोई दो कबीर के साथ रात बिता के आई है हरिद्वार। That is a very wrong thing to say। अर्जुन के दिमाग में तो यही है। अच्छा हाँ, तो ये तुम लोग रात में जो स्कूल में ड्राइंग्स देख रहे हो, पता नहीं तुमको क्या दिखा रहा है, मेरे को नहीं मालूम। तो पर तुम लोग साथ में फरीदाबाद आ गई है, वापस घर के पास आ गई है, पर घर पे नहीं आई है। वहाँ बैठ के छोले भटूरे खाए जा रहे हैं साथ में। और मैं फ़ोन किया, मैं पूछा कहाँ हूँ, तो बोलती मैं फरीदाबाद के रास्ते में हूँ। बस में हूँ। बोली हाँ बस में हूँ। बोला अकेले हो? हाँ ऑफ कोर्स अर्जुन अकेले। इट लुक्स वेरी वेरी पर्सनल। उनके पास में इंटरव्यू के लिए टेली मसाला के लिए मैं आ गया हूँ तुम्हारे साथ एक फ्रेम में, वरना तो एक फ्रेम में हाँ ये लो के साथ हाँ ये लो कोई बात नहीं, अर्जुन को नहीं बनाऊंगी मैं। अर्जुन कैन डू व्हाटएवर। जल कुकड़ा है ना, ये एक नंबर का एक तो मीन जेलस। मैं आज ये ऊपर अर्जी भेजता हूँ भगवान के पास कि कभी ऐसा एक कुछ हो जहाँ पे मैं किसी और के खाली पास आऊँ, चाहूँ नहीं, हो जाए। और तब यू एज इन अर्जुन और तब इसे जलन क्या होती है, जलन किस चिड़िया का नाम है वो पता चले। एक सेकेंड, ये जो इतना महान बन रहा है ये शादी करने वाला था, उससे ज़्यादा क्या होगा। शादी करना तो अर्जुन तो शादी करने वाला था ना, प्यार किया था तो हुआ ना जेलसी। तो उधर भी धोखेबाज थी, इसकी बहन ने धोखा दिया। किसके लिए? चंद पैसों के लिए। चंद नहीं, काफी ज्यादा रिच था वो। काफी ज्यादा सब पता चलेगा। पैसे से कोई इंसान रिच होता है क्या? इंसान रिच होता है दिल से। हाँ। कहाँ देख पाएंगे। मैं झूठ नहीं बोलना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं अर्जुन को बुलाऊं, उसे उसके दादाजी से मिलवाऊं, बट देन कबीर बोलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने फोटो दिखाया था तो उनको पैनिक अटैक आ गया। सो देयर मस्ट बी सम रीज़न कि उन्होंने अर्जुन का फोटो देख के इस तरह से क्यों रिएक्ट किया। तो बिना कुछ जाने एंड थिंकिंग कि यू नो पापा इनसे मिलने आए थे, फिर उनकी डेथ हो गई, इनकी भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था गाड़ी को, पापा का भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था गाड़ी, तो शायद इट्स वेरी डेंजरस, इसलिए फॉर ये इसका सेफ्टी के लिए शी इज़ नॉट इन्वॉल्विंग। और ये यहाँ इतना गलत बोल रहा है काशवी को। अभी तक मैं अर्जुन के साइड पे थी, बट आई एम नाउ नॉट ऑन योर साइड। हाँ मत रहो, तुम मेरे साइड पे हो ही नहीं, तुम झूठ बोल रही हो उनसे बातें छुपा। रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप का बेस होता है ट्रस्ट, किसी भी रिलेशनशिप का। ये माइक दूर कर रही है ताकि आप लोग तक सच ना पहुंच पाए। तो किसी भी रिलेशनशिप का बेस नहीं मुझे नहीं। अरे आई डोंट वांट टू वॉइस माय ओपिनियन, मैं अपने अंदर ही कुड़ के मर जाऊंगा। तो खैर किसी भी रिलेशनशिप का बेस होता है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी दो लोगों के बीच में। और अगर उसको तोड़ दिया जाए, उसको खंडित कर दिया जाए, तो फिर तो there's nothing। एक तो ये ऐसे वर्ड्स ना एकदम ऐसा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। अरे बस ना एक ना इंटरेस्टिंग है। हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग देखिएगा कि कैसे किस तरह अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी झूठ बोल दें, कैसे रिलेशनशिप बर्बाद हो सकता है, कैसे दो लोगों के बीच में इतनी दूरियाँ आ सकती हैं, कैसे। वैसे एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत सच्ची है, सब कुछ है, पर इसके एक झूठ की वजह से कैसे सब तहस नहस हो सकता है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए ये चाहते हैं।